नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। इसकी बात कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम ROC को इस्तेमाल करेंगे, क्या होता है ROC, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लुक बैक पीरियड है, कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड, कैसे डाइवर्जेंस होती है ROC में, ये सब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक एक करके RSI को कैसे हम यूज करेंगे, ROC को कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, किस तरह से हमें अपनी ट्रेडिंग में ROC को यूटिलाइज करना है। देखेंगे कि ट्रेंड स्ट्रेंथ जो होती है, ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे आप पता कर सको, या किस ट्रेंड में आपको कितने देर रहना है, कितने देर चलना है, अभी निकल जाना है कि इसमें बने रहना है, प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ROC को इस्तेमाल करके आप कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधा अपने चार्ट्स पे और आप देख सकते हो कि तीन ROC मैंने यहाँ पर प्लॉट की है और ये तीनों ROC आपको अलग अलग चीज़ें बता रही हैं। ये छोटे शॉर्ट टर्म ROC है, ये मीडियम टर्म ROC है और ये लॉन्ग टर्म ROC है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो शॉर्ट टर्म वाली 10 पीरियड की है, लॉन्ग मीडियम टर्म वाली 21 पीरियड की है और लॉन्ग टर्म वाली 45 मिनट्स की है। तो करने का हमारा इंटेंशन क्या है, क्यों हम तीन पीरियड की बात कर रहे हैं? देखिए, जो प्राइस होती हैं वो एक साइकिल में मूव करती है, तो बॉटम होता है फिर टॉप होता है फिर बॉटम होता है फिर टॉप होता है, तो जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो पूरे एक साइकिल में होती है। किस समय कौन सा साइकिल मार्केट में चल रहा हो ये पहचानना थोड़ा बहुत टफ होता है, राइट? क्योंकि डिफरेंट साइकिल चलते हैं, कभी 10 पीरियड का साइकिल चलता है, कभी 50 पीरियड का साइकिल चलता है, कभी 108 पीरियड का साइकिल चलता है, तो अलग अलग साइकिल के जो पीरियड्स होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है मार्केट्स में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग लुक बैक पीरियड के इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेते हैं जिससे वो साइकिल हमें बेटर पता चले। 10 पीरियड का ROC है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कन्विंसिंगली ये जीरो के ऊपर यहाँ चला गया। जो मीडियम टर्म ROC है वो कन्विंसिंगली जीरो के ऊपर यहाँ चला गया और जो लॉन्ग टर्म ROC है वो कन्विंसिंगली जीरो के ऊपर यहाँ चला गया, राइट? तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन भी हो रहा था, बेसिकली एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस साइडवेज जा रही थी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, राइट? ब्रेकआउट अटेम्प्ट कब हुआ एक चीज देखो आप, जब ROC जीरो के ऊपर गई शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब 10 पीरियड ROC जब जीरो के ऊपर गई, जब यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आपको दिखा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, जब मीडियम ROC जीरो के ऊपर गई तो एक ब्रेकआउट मिला, तो हमें यह बता रहा है कि दो साइकिल, एक शॉर्ट टर्म साइकिल और एक मीडियम टर्म साइकिल, दो साइकिल जो हैं वो प्राइस को अभी बुल्स के फेवर में है, दे आर सपोर्टिंग द प्राइस टू मूव अप, वो बुल्स के फेवर में। यहां पर देखिए, जब प्राइस पैराबोलिकली मूव कर रही है, कब मूव कर रही है, जब तीनों टाइम फ्रेम से मेरा मतलब यह है कि तीनों ROC, शॉर्ट टर्म ROC, मीडियम टर्म ROC और लॉन्ग टर्म ROC, तीनों ROC जब जीरो के ऊपर है, तो जब तीनों ROC जीरो के ऊपर होते हैं तो आप देखिए किस तरह से पैराबोलिक मूव आता है। ROC कुछ इस जगह पर जीरो के ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म ROC भी मोरलेस उसी समय आ रहा है और मीडियम टर्म ROC भी मोरलेस उसी समय आ रहा है, दोनों जीरो के ऊपर आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, तीनों ROC जब जीरो लाइन को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कंसोलिडेशन फेज में ही आपको मूवमेंट मिल रहा है और फाइनली ये ब्रेकआउट देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट हो रही है और यहां पर देखिए क्या जबरदस्त प्राइस प्रोपेल हुई जब तीनों ROC जीरो के ऊपर है। जब तीनों ROC जीरो के ऊपर है, खासकर जब लॉन्ग टर्म ROC और मीडियम टर्म ROC जीरो के ऊपर है, तब हमें बाय ऑन डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। वापस सुनिए, जब लॉन्ग टर्म ROC मीडियम टर्म ROC जीरो के ऊपर है तब हमें बाय ऑन डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म ROC कहां पर जीरो के ऊपर गया, यहां पर लॉन्ग टर्म ROC जीरो के ऊपर, मीडियम टर्म थोड़ा पहले जाएगा, मीडियम टर्म ROC यहां पर जीरो के ऊपर गया, शॉर्ट टर्म और भी पहले जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बीच बीच में गोते भी खाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन गोतों को यूज करना चाहिए, इन डिप्स को यूज करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ROC मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जीरो के ऊपर गया और देखिए ये कंसोलिडेशन यहां पर था, तो देखिए कंसोलिडेशन टूटने के पहले ही
आपको एक आइडिया लग गया कि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो बनने लग गई। देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली यही हुआ, पैराबॉलिक मूव जब हम लोगों को मिलती है कब मिलती है, आप सिर्फ ये चीज देखिए कि आरओसी जो है, जब लॉन्ग टर्म आरओसी और जब मीडियम टर्म आरओसी, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आरओसी के बारे में बता रहा हूँ, जब ये दोनों जीरो के ऊपर होती है, मीडियम लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पर जीरो के नीचे, तो देखिए ये जो फेज है बेसिकली हम इस फेज की बात कर रहे हैं, इतना फेज, ये जो फेज है इस फेज में मीडियम टर्म आरओसी और लॉन्ग टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर थे, और इस फेज में आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिए, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करिए। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आप सिर्फ वो फेज ट्रेड करते हो जहां पर मीडियम टर्म आरओसी और लॉन्ग टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर है, उसी में भी आपका काम बन जाता है। उसके कोविड वाला जो फॉल है वो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि फरवरी से बिगिन हुआ, यहाँ पर देखिए फरवरी से बिगिन हुआ और ये जो है मार्च अप्रैल एंड तक चला, तो फरवरी मार्च अप्रैल तीन महीने तक जबरदस्त ठुकाई पिटाई हुई थी स्टॉक्स की और इंडेक्स की। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने आरओसी को यूज किया होता और सही तरीके से यूज किया होता, देखिए लॉन्ग टर्म आरओसी आपको पहले ही आगाह कर दे रही है कि यहां पर भाई लॉन्ग जाने का सीन नहीं है, यहां पर कहीं पर भी लॉन्ग जाने का सीन नहीं है। और यहां पर देखिए आप वापस थोड़ा सा मूव ऊपर करता है, लेकिन ये आरओसी जो है वापस यहां पर इधर में नीचे अपना दम तोड़ देता है और ये आपको बता रहा है कि लॉन्ग जाने का मूड है ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहां पर जहां पर ये आरओसी थोड़े समय के लिए जीरो के ऊपर जाता है, इस लेवल पर जाता है, देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हमें मिलता ही नहीं है प्राइस का। इस जगह लॉन्ग टर्म आरओसी जो था वो भी जीरो के ऊपर था, मीडियम टर्म भी जीरो के ऊपर था और शॉर्ट टर्म भी जीरो के ऊपर था, और आप देख लीजिए किस तरह की पैराबोलिक मूव आती है। ये देखिए एक बार ये एक कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है, कप एंड हैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये कप एंड हैंडल आपको दिख गया होगा। तो देखिए किस तरह की पैराबोलिक मूव आती है, यहां से ब्रेकआउट होकर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने एंटर किया भी होगा 470, 471, 475, यहां पर देखिए फ्रेंड्स 525, 526 के आसपास तक ये मूव एक्सटेंड हुई थी। हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में, तो यूज करने का तरीका चलिए किसी दूसरे चार्ट पर बताते हैं। टाटा मोटर, टाटा मोटर पर भी देख लीजिए फ्रेंड्स, के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। अरे भाई सब बोलेंगे भाई किसी को नहीं पता था इस तरह का मूव आ सकता है, सब यही बात बोलेंगे ना, भाई किसी को नहीं पता था इस तरह का मूव आ सकता है। अरे भाई पता नहीं था, हमें पता नहीं रहता है लेकिन अंदाजा तो लग जाता है भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, अंदाजा लग सकता है, 50-50 चांसेस हैं सक्सेस होने के और फेलियर होने के। लेकिन वो 50-50 चांस में अगर आप थोड़ा सा आरओसी का टर्का लगा दो, थोड़ा सा आरएसआई का मसाला लगा दो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिला दो, थोड़ा सा अपना टेम्परमेंट मिला दो, तो वो 50-50 चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 60-40 हो जाता है बस, और 60-40 जैसे ही हो आपके फेवर में आ गई गोटी, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस जगह ब्रेकआउट होते ही क्या मूव, क्या 50% मूव कैप्चर करना मुश्किल था, सिंपल रखिए चीज को। ये देखिए पहले मैं सिर्फ आपको आरओसी यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस पे एक इंडिकेटर और लगाऊंगा प्राइस पे, और उस इंडिकेटर से आप रूबरू हैं उसके साथ मिलके करेंगे ट्रेड, तो देखिए कितना मजा आएगा। ओके तो सबसे पहले देखिए आरओसी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है लॉन्ग टर्म आरओसी जो है जीरो के ऊपर पहुंच गई थी, जीरो के ऊपर पहुंच गई थी, और यहां पर आप देखो जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ चल दिया। मीडियम टर्म आरओसी जीरो के ऊपर इस पीरियड में यहां पर जीरो के ऊपर थी, और शॉर्ट टर्म आरएसआई आरओसी सॉरी इस पीरियड में जीरो के ऊपर थी। तो इस पीरियड के बाद तीनों आरओसी जो थी वो जीरो के ऊपर थी और ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ में थी, और हम आप आगे बोल सकते हैं कि कोई कंसोलिडेशन यहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन टूटा वगैरह वगैरह सब कुछ हम लगा सकते हैं। अब पहला एंट्री का तरीका तो यह है कि जब तीनों पीरियड की आरओसी जीरो के ऊपर जाए तो वहां से अगर कोई ट्रेंड से आपको ब्रेकआउट मिले, कोई कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिले, तो आप एक एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो। यू कैन प्लान वन एंट्री अगर आपको कोई भी जो कंसोलिडेशन या कोई भी ब्रेकआउट जो है वो जीरो के ऊपर मिलती है, तो नंबर वन।
ये आपका इनिशियल एंट्री होगा। अभी कोई कारण से आपकी ये इनिशियल एंट्री छूट जाती है तो आपको चाहिए एक पुलबैक एंट्री। पुलबैक एंट्री दो तरह की पुलबैक एंट्री होगी, एक होगी हाई कन्विक्शन पुलबैक एंट्री जो जिसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक होती है लो कन्विक्शन फुल आउट पुलबैक एंट्री जिसकी सक्सेस होने की चांसेस थोड़ा सा कम होती है। हम आपके साथ पहले हाई कन्विक्शन वाली पुलबैक एंट्री डिस्कस करते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आरओसी। अभी हम सिर्फ आरओसी के बेसिस पे करेंगे, हम अभी आपके इसके ऊपर कोई और मूविंग एवरेज ओवरले नहीं लगाएंगे। मैं आपको इसके ऊपर मूविंग एवरेज बाकी ओवरले लगा के भी दिखाऊंगा। तो देखिए इसको कैसे ट्रेड करना है, पुलबैक को कैसे ट्रेड करना है। अब आपको चाहिए कि आप इस पुलबैक में एंटर कर जाओ। ये वाला जो मूव है आपने किसी कारण से छोड़ दिया, यू मिस्ड दिस मूव, नाउ समहाउ यू वांट टू एंटर एट दिस मूव, राइट। अब आप इच्छुक है कि आप कम से कम जो फॉलोइंग मूव है उसको आप ना छोड़ो। तो इसके क्या तरीका है, लॉन्ग टर्म आरओसी, मीडियम टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर है, ये शॉर्ट टर्म आरओसी जीरो के नीचे जाता है। शॉर्ट टर्म आरओसी जीरो के नीचे जाता है, जीरो को क्रॉस ओवर करके वापस ऊपर आता है। जिस कैंडल पे ये आरओसी जीरो को क्रॉस करके ऊपर आता है उस कैंडल के ऊपर आप अपनी ट्रेड एंट्रीज मार दो। कितना परसेंट आपको मिला, ऑलमोस्ट 20%। और यहां से पुलबैक से आपको कितना मिला, ऑलमोस्ट 10%, 11% के करीब आपको मूव मिली है, राइट। फेयर इनफ, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है अपने को। तो ये एक तरीका है पुलबैक एंट्री करने का। ये हम सिर्फ आरओसी के बेसिस पे कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी आप इसके ऊपर ओवरले कर सकते हो मूविंग एवरेजेस, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन देगा। ओके, कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज जो यूज कर सकते हो आप उसको इसके ऊपर ओवरले कर लो। जब मूविंग एवरेजेस में यहां पर सपोर्ट आ रहा है तो उसके बाद आरओसी मुड़ता है, आप उसके साथ साथ एंट्री ले लो। पर जो है सस्टेन कर रहा है जीरो के ऊपर, यहां ब्रेकआउट पे आप लीजिए ट्रेड। सिंपल मेथड है, क्या वेव्स यूज करने हैं, क्या फलान यूज करने हैं, भगवान जाने लोग क्या क्या चीज करते हैं। 50% का मूव, राइट। तो ये एक सिंपल मेथड है आरओसी को यूज करने का। दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छा सिखाएंगे, आरओसी को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें सीखने लायक। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ, हाँ वीडियो को लाइक करें भी ना, आगे मत बंद तो करिएगा ही मत, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव बचाए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जय हिंद, जय भारत।